दोस्तों मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने वाले हैं मोटर से, मोटर को गति देंगे इस चक्री से। दोस्तों उसके लिए एक फेविक्विक लिया है, चक्री के नीचे के हिस्से को मोटर को फेविक्विक के मदद से चिपका लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं फेविक्विक की मदद से जो चक्री का नीचे का हिस्सा और मोटर को चिपका लेते हैं, ताकि हम आज यही देखने वाले हैं कि चक्री से मोटर को गति मिलती है, और गति मिल जाए दोस्तों तो मोबाइल फ़ोन चार्ज हो सकता है। यही देखने वाले हैं कि चक्री के मदद से, चक्री जब घूमेगी तब मोटर घूमेगी दोस्तों, मोटर घूमेगी तो वोल्टेज बनेगा, और उसी वोल्टेज से आपको दिखाने वाले हैं मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है या नहीं। मोबाइल चार्जर का सॉकेट लिया है और उसके दोनों वायर जो है दोस्तों मोटर के दोनों वायर को प्लस और माइनस वायर जोड़ देंगे। यहाँ पे प्लस और माइनस वायर जोड़ लेते दोस्तों। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के एक से बढ़कर एक जुगाड़ आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जोड़ लेते आप सॉकेट को मोबाइल फ़ोन में। पता नहीं दोस्तों चक्री घूमेगी तब वोल्टेज बनेगा तो मोबाइल चार्ज होगा, तो हमें भी पता नहीं है वोल्टेज बनेगा या नहीं। तो यह गिर ना जाए चक्री घूमेगी तब, तो पेंचेस के सहायता से सपोर्ट दे लेते हैं और मोबाइल फ़ोन को सुरक्षित जगह पे रख लेंगे, ताकि चक्री घूमेगी तब उसकी रोशनी आग जो होती है वो मोबाइल के स्क्रीन पे ना गिर पाए। तो चलिए जलाते हैं चक्री को। यहाँ माचिस के सहायता से जला लेते हैं चक्री को। चलिए ये लगाते हैं। थोड़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों जलने में, लेकिन दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें अंत तक देखें, तभी आपको ठीक तरह आप समझ सकेंगे इस चक्री के सहायता से मोटर को गति मिलती है या नहीं। तो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें अंत तक देखें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह के एक से बढ़कर एक जुगाड़ आपको देखते मिले। यहाँ देख सकते दोस्तों आग लग गई। यहाँ देख सकते दोस्तों मोबाइल फ़ोन में सिंबल बन चुका। बहुत ही कमाल का जुगाड़ है दोस्तों।